हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है रिया चक्रवर्ती के कूपर अस्पताल की मॉर्चरी में जाने को लेकर। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कूपर अस्पताल और मुंबई पुलिस को नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है कि किस नियम के आधार पर रिया चक्रवर्ती को मॉर्चरी के अंदर जाने दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर है, राज्य मानवाधिकार आयोग ने रिया चक्रवर्ती के मॉर्चरी में एंट्री को लेकर मुंबई पुलिस और राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। रिया चक्रवर्ती के कूपर अस्पताल की मोर्चरी के जाने को लेकर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने कूपर अस्पताल और मुंबई पुलिस को नोटिस भेजा है और पूछा है कि किस नियम के आधार पर रिया अंदर गई। चलिए इसी मसले पर हमारे साथ गणेश ठाकुर जुड़े हुए हैं मुंबई से, उनसे बात करते हैं। गणेश, आपने एक स्टोरी ब्रेक की कि रिया चक्रवर्ती और जया शाह ये लोग आपस में ड्रग्स लेने और ड्रग्स किसी तीसरे शख्स को देने की बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस मामले की जांच ईडी कर रही है तो ईडी ही जया शाह से पूछताछ करेगी या एनसीबी करेगी? जी देखिए, एनसीबी की एक सेंट्रल की टीम, दिल्ली की टीम मुंबई आज आएगी, ऐसी जानकारी है, आज या कल में पहुंचेगी। एनसीबी का यूनिट मुंबई में भी है और एनसीबी अब इस मामले की जांच करेगी। बताया जा रहा है कि ईडी और सीबीआई के बीच इस विषय को लेकर चर्चा हुई थी, तभी एनसीबी को पत्र लिखा गया। अब ईडी को कहां से पता चला, तो ईडी को सुशांत के अकाउंट के कुछ डिटेल्स मिले। रेगुलरली 20,000 रुपए निकाले जा रहे थे सुशांत के अकाउंट से और ये पैसे निकाल रहा था। एनसीबी रिया और जया को आमने सामने बिठा के इस मामले में पूछताछ करेगी? संभव है, लेकिन सबसे पहले एक ग्राउंड बनानी पड़ेगी कि आखिर क्या क्या हुआ था। अगर आप इस चैट को ठीक से पढ़े तो उसमें लिखा है कि चाय और कॉफी में 3 से 4 ड्रॉप मिलाकर उसे पिलाइए। तो अब ईडी, सीबीआई और एनसीबी तीनों इस मामले की जांच कर रहे हैं कि क्या ड्रग्स के जरिए सुशांत को जो है डिप्रेशन में धकेला गया था या उसको नशे का आदि बना के। दूसरी बात ये भी कि बात सिर्फ अब जया और रिया तक की नहीं है, बात उस पूरे साइकिल के है जिसमें सुशांत के दूसरे इम्प्लॉइज है वो भी शामिल होंगे। जया के पास कहां से ड्रग्स आए, तो ये पूरा का पूरा रैकेट खुलेगा अब तो। बिल्कुल, सैमुअल मिरांडा वो शख्स था जो ये ड्रग्स लाता था, ये इससे स्पष्ट होता है। पैसे निकालने के लिए दीपेश सावंत अकाउंट का कार्ड लेकर जाता था और जो ड्रग डीलर है जिससे ड्रग्स लेते थे उससे भी पूछताछ होगी। शोविक का नाम भी इसमें सामने आ रहा है क्योंकि सैमुअल रियाज से पूछता है कि ड्रग्स खत्म हो गए। एक बड़ा सवाल ये है कि पूछताछ तो होगी लेकिन क्या नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है? फिलहाल नहीं विकास। देखिए, नारकोटिक्स एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कराने के लिए सबूत लगते हैं, एक तो कंजम्पशन या पजेशन। अब कंजम्पशन और पजेशन इस मामले में फिलहाल सामने नहीं आते थे। ड्रग डीलर तक पहुंचा जाएगा जो बताएगा कि ड्रग्स पहुंचाए जाते थे, तो उन डीलर के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी, तभी ना एनडीपीएस एक्ट के अंदर कार्रवाई होगी या एफआईआर लगेगा, लोगों की गिरफ्तारी होगी। तो गणेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और गणेश, इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ी तस्वीर अगर हम देखें तो ये जो दबी जुबां कहा जाता है कि बॉलीवुड ऐसी दुनिया है जहां ऐसा कोई नहीं जो नशा नहीं करता है, तो फिर अगर ये रैकेट खुला तो न जाने किस किस के नाम सामने आ जाए। बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी कई सारे सेलिब्रिटीज जो है मुंबई में ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए थे, रेड हैंड पकड़े गए थे, तो उनकी जांच में पूछताछ में कई बड़े बड़े नाम सामने आए थे। तो क्या इस मामले में भी इससे शुरुआत होकर कई बड़े नामों तक ये जांच पहुंचेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा या बहुत महत्वपूर्ण होगा इस केस के लिए। और इसीलिए अब एनसीबी को रोल किया गया है क्योंकि एनसीबी का नेटवर्क होता है ड्रग डीलर्स का, उनकी पूरी जानकारी होती है, तो उसी आधार पे आगे जांच करने आप की नजर बनाए रखिए पूरे मामले पर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। गणेश ठाकुर पूरा अपडेट दे रहे थे इस खबर पर। सुशांत केस में हो रही पूछताछ में झूठ पकड़ने के लिए बॉडी लैंग्वेज रीडर्स की मदद ली जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गवाहों के झूठ पकड़ने के लिए एसआईटी बॉडी लैंग्वेज रीडर इस्तेमाल कर रही है। नीरज सिद्धार्थ पिठानी, सिद्धार्थ माफ कीजिएगा, दीपेश केशव के विरोधाभासी बयानों को बॉडी लैंग्वेज रीडर्स की मदद से पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, गवाह और आरोपियों को का झूठ पकड़ने के लिए मशीन के बजाय अब बॉडी लैंग्वेज रीडर्स की मदद ली जा रही है।